मेरठ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उपद्रवियों की इस हरकत से बीएसपी तो नाराज है ही, वहीं समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर निशाना साधा। सपाइयों ने बाकायदा बीजेपी की अर्थी निकालकर चिता भी जलाई। मेरठ के थाना मवाना इलाके में बुधवार को भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने तत्काल मौके पर नई मूर्ति स्थापित करा दी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की अर्थी निकाली और शहर में घुमाते हुए सूरजकुंड स्थित शमशान घाट पर इसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान सपाइयों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए दलितों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। हमने केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की और इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अर्थी निकाली है, क्योंकि कल मेरठ जिले में एक जगह, एक आपकी कस्बा पड़ता है मवाना खुर्द, वहाँ हमारे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी, जिनको कुछ तत्वों ने, सामाजिक तत्वों ने उनको तोड़ दिया है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यदि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और शोषण और अत्याचार हो रहा है वो दलित समाज पर हो रहा है। आपको बता दें कि इस मूर्ति पर पहले भी विवाद हो चुका है और इसे पहले भी खंडित किया जा चुका है, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब एक बार फिर इस मूर्ति को निशाना बनाया गया। ऐसे में साफ है कि मामले पर राजनीति तो होगी ही। डीवी लाइव के लिए मेरठ से सतीश कुशवाहा की रिपोर्ट।